हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाई सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2024 की एग्जामिनेशन डेट को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन है, काफी सारे कमेंट्स हैं बच्चों के, किसका एग्जाम अब कब होगा, अगर इसका एग्जाम डिले किया जा रहा है या फिर ऐसा प्लान कर रही है यूजीसी की इसका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकता है। देखिए, असल में हुआ क्या था, जब ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया तो वहां पर एग्जैक्टली मेंशन था स्टार लगाकर कि द डेट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। तो हम सब ने सोचा कि हाँ, डेट बढ़ सकती है, आगे पीछे हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी यू नो जनरल इलेक्शन जो कि इंडिया के अंदर हो रहे हैं। मतलब अब होंगे, अब मई तक वो जो है इलेक्शन खींचेंगे। तो इस बात को लेकर हम भी ये सोच रहे थे कि हाँ, जो आगे जाएगा एग्जामिनेशन। लेकिन अभी यूजीसी के चेयरमैन ने फिर एक आर्टिकल पब्लिश करवाया और फिर एक इंटरव्यू दिया। बहुत सारी न्यूज वेबसाइट पर ये आर्टिकल पब्लिश है जहां पर ये लिखा हुआ है क्लियरली सीयूटीजी 2024 के बारे में, एग्जाम शेड्यूल में चेंज ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन चेक डिटेल्स। और ये खुद मामितला जगदीश जी के शब्द हैं जहां पर उन्होंने बोला, ये चेयरमैन जगदीश कुमार जी यूजीसी के जो चेयरमैन है। तो अब जो है एग्जामिनेशन कब होगा आपका, देखो पूरे पूरे चांसेस हैं। देखो, पहले तो एनटीए पूरी कोशिश करेगा इस एग्जाम को इन्हीं डेट पर कंडक्ट कराने की। जैसे अगर 15 मई से पहले पहले आपके एग्जामिनेशन हो गए, सॉरी जो आपके इलेक्शन है 15 मई से पहले पहले अगर खत्म हो गए तो फिर कोशिश करेगा कि 15 मई से स्टार्ट कराने की। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई कब तक इलेक्शंस खत्म होंगे और फिर कब से हमारा एग्जाम जो है वो शेड्यूल होगा। तो यहां पर अगर मैं बताऊं तो ऐसे पूरे चांसेस लग रहे हैं अभी के हालात देखते हुए, तो क्योंकि अभी तक कोई डेट नहीं आई है। और जहां भी आप सर्च करते हैं इलेक्शन की डेट तो अप्रैल और मई इस तरीके से लिखा हुआ है और मई तक ये इलेक्शन खींचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जून फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक ये एग्जामिनेशन आपका खिंच सकता है। जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ये आपका एग्जामिनेशन जा सकता है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ लास्ट डेट, जैसे कि आप यहाँ पर लास्ट डेट देख पा रहे हैं मई लास्ट वीक, और इसी तरीके से मैं लास्ट, मुझे ऐसा अंदाजा है कि जून फर्स्ट वीक और या फिर सेकेंड वीक तक ये एग्जामिनेशन आपका जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब आपको क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन के शेड्यूल में कुछ हेर बदल होती है, तो आपको उस समय पर क्या करना है, आप एक टारगेट डेट बनाइए अपनी 15 मई, ठीक है, 15 मई डेट बनाइए और यहां तक तीन चीजें खत्म कर लीजिए। प्रिपरेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रिपरेशन और आपका रिवीजन और साथ साथ फिर प्रैक्टिस, ये तीन चीजें आपको खत्म करनी है। देखिए, मैं ये मानता हूं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन तो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई होगी। हाँ, इंग्लिश और जीटीएस उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो बेसिक से, लेकिन हाँ रिवीजन और प्रैक्टिस अभी आप खत्म कर सकते हो। रिवीजन और प्रैक्टिस पर अभी आप बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हो और पूरा 15 मई तक का टारगेट बना सकते हो। प्लस यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर वाली भसड़ है जिससे कि आप कभी भी नहीं भाग सकते, क्योंकि जो एनटीए ने नया सिलेबस दिया उसके अंदर डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है। और तो नई वेबसाइट जो कभी खुल रही है कभी नहीं खुल रही है, एनटीए के ग्लिचेस देखे जा रहे हैं। ये तीसरा साल है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में, लेकिन फिर भी एनटीए विफल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी 8% आप लोग डिलीटेड चैप्टर्स पर ध्यान जरूर दें, ठीक है। तो फिर अब आपका 15 मई आप टारगेट बनाकर चलो। अगर 15 मई से एग्जाम शेड्यूल होता है तो आप तैयार हैं, अगर नहीं होता है तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने का समय मिल जाएगा। मतलब जो मॉक्स है अभी 8%, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के कहीं पर 50 मॉक मिल रहे हैं, जैसे हम 50 से 60 मॉक दे रहे हैं, तो आप एक नहीं दो प्लेटफॉर्म से कम एटलीस्ट दो प्लेटफॉर्म से मॉक जरूर परचेस करके रखें, जरूर अपने पास रखें और उन मॉक्स को लगाना शुरू करें। दिस इज व्हाट गाइस आई वांटेड टू टेल यू। अगर इन केस कोई भी क्वेरी है आपके दिमाग में या फिर किसी भी बात से रिलेटेड, यू गाइस कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, मैं कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करता हूं, और आप इस नंबर पर भी पूछ सकते हैं 7676564400। मेरी टीम आपसे सीधा सीधा कनेक्ट करेगी। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।